अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी जौहर टाउन लाहौर। अच्छा बेटे, कल हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले स्टेप को, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस से ऑनवर्ड जब कभी हम लोग मूव करते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर पाइरूविक एसिड की ब्रेकडाउन सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही हो, मोर फॉर द प्रोविजन ऑफ NAD, तो हम उसको लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। अगर आप इसको रीकैप करो, तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि योर रेस्पिरेशन एक्चुअली एसोसिएटेड विद द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बेटे, हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अगर आप रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन का वेरी फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में हम लोगों ने ये चीज लर्न की कि अगर आपके पास एक C6H12 O6 का मॉलिक्यूल है और ये C6H12O6 के मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करते हो, तो यू विल गेट पाइरुवेट। सो हमारे पास पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल गेन होते हैं, जो कि C3H4O3 कैरी करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि चूंकि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ये दो मॉलिक्यूल्स आपको गेन होते हैं, तो बेटे ये टू मॉलिक्यूल जो आप यहाँ पर गेन करते हो, इसके अंदर आपके पास कार्बन तो 6 है, ऑक्सीजन भी 6 है, हाइड्रोजन कहां पर जाते हैं, तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन असल में NAD को प्रोवाइड किए जाते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू NADH प्लस हाइड्रोजन आइंस। तो ये दो NAD के मॉलिक्यूल को हम लोग दो NADH के मॉलिक्यूल में चेंज कर रहे होते हैं। मोरओवर हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास ये पाइरुवेट का मॉलिक्यूल अगर सेल के अंदर ब्रेक होता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होता है और ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं NADH के मॉलिक्यूल को यूज करते हैं टू ब्रिंग बैक NAD, ताकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रह सके। लेकिन अगर आप इस पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल को मूव करते हैं टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया, तो हाउ इट वी विल प्रोसीड इट, उसको आज हम लोग देखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटे ये आपके पास एक पाइरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है और ये पाइरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल CH3C OH के ऊपर बेस करता, एंड दिस इज नेम्ड एज अ पाइरुवेट। हम लोग ये कहते हैं कि जब कभी आपके पास यहां पर एक डी कार्बोक्सीलेज एंजाइम एक्ट करता है, तो इस डी कार्बोक्सीलेज के एक्शन के रिजल्ट में ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाता है, तो हम इस स्टेप को डी कार्बोक्सीलेशन का नाम देते हैं। और मजीद हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास इसके रिजल्ट में एक CH3C OH का एक एसीटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। हम इस एसीटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से एक NAD को यूज करते हुए एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं NADH में। मजीद ये कि यहां पर एक
HS को ए का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, जहां से ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ रिमूव हो रही होती है और ये मॉलिक्यूल आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और S को A के मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा होता है। दिस होल स्टेप इज नेम्ड एज पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसके अंदर आप पाइरूविक एसिड के मॉलिक्यूल में से हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को रिमूव करते हो और आपके पास यहां पर एसीटाइल को ए का ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। हम कहते हैं कि जी ये वो रिएक्शन है जो आपके पास एक्सक्लूसिवली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चलता है, यानी आप जब कभी भी पाइरूवेट की बात करते हो तो हम लोग ये बात करते हैं कि पाइरूवेट को हम माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करवाने के लिए एनर्जी लगाते हैं और मोर ओवर आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया की लेट सपोज इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। तो ये सारा रिएक्शन अब आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रोसीड करता। हम लोग ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही एसीटाइल कोए ऐड होगा, ये एसीटाइल कोए एक 4 कार्बन कंपाउंड को रिसीव करता है। यहां पर 2 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है जिसके रिजल्ट में ये 4 कार्बन कंपाउंड, दिस सी 4 कंपाउंड आफ्टर टेकिंग 2 कार्बन इट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू अ 6 कार्बन कंपाउंड ऑफ सिट्रेट। ये सिट्रेट के पहले कंपाउंड में चेंज होता है। अच्छा, इसी वजह से हम लोग क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सो हम लोग ये लिख सकते हैं कि आप क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हो बिकॉज आपके पास बनने वाला पहला प्रोडक्ट सिट्रेट होता है। हम लोग ये बात करते हैं कि दिस साइकिल इज ऑल्सो नेम्ड एज C6 पाथवे, क्योंकि पहला बनने वाला प्रोडक्ट 6 कार्बन पे बेस करता है। क्योंकि आपने ये देखा बेटे कि यहां पर हमारे पास C4 लोकेट करते हैं, जब कभी आप यहां से 2 कार्बन ऐड करते हैं तो ये आपके पास सिट्रेट का एक C6 वाला कंपाउंड फॉर्म होता है। मोर ओवर आपने कभी देखा होगा कि इसको कुछ जगहों के ऊपर TCA साइकिल भी कहा जाता है। बट इसको TCA साइकिल क्यों बोलते हैं? उसकी रीजन ये होती है कि सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। जैसे अगर आप इसको ड्रॉ करो तो आप ये देखोगे कि सिट्रेट के एक मॉलिक्यूल के अंदर यूं एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होता है, इट इज लिंक्ड वाया CH2 एंड देन कार्बन, एक और COH ग्रुप मौजूद होता है, ये CH2OH होता है, CH2 ग्रुप होता है और ये एक COO नेगेटिव ग्रुप है। चूंकि हम लोग बेटे यहां पर एसीटाइल को ए की फॉर्म में ऐड करते हैं तो ये को ए को यहां से रिमूव करने के लिए इसके अंदर एक अदद वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, जिसमें से हाइड्रोजन को ए को दे दी जाती है जो दोबारा से HS को ए की फॉर्म में यहां से रिलीज होता है और यहां से आने वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर अटैच कर दिया जाता है। जिस सूरत में हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास सिट्रेट का एक मॉलिक्यूल बनता है, ये सिट्रेट के एक मॉलिक्यूल के अंदर बेटे चूंकि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हैं, इस वजह से इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। मोर ओवर हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि यही सिट्रेट के मॉलिक्यूल को, जी बेटे
बेटे ये ना HSCOA का मॉलिक्यूल है, देखें ये वही HSCOA है जो आपने यहाँ पे ऐड किया था। ये इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जब तक ये एसिटाइल कोए की फॉर्म में नहीं होता है रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है, तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन करनी पड़ती है क्योंकि ये कोएंजाइम है। तो ये कोएंजाइम को हमने पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद रिमूव करना है, तो वो ये कहता है कि भाई मैं तो HSCOA की फॉर्म में था, आई नीड माई हाइड्रोजन बैक। तो हम वाटर के मॉलिक्यूल से उसकी हाइड्रोजन उसको रिटर्न करते हैं, ये हाइड्रोजन रिटर्न करते हैं, यहाँ से जो हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है वो हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ये एक सिट्रेट का मॉलिक्यूल बनता है, राइट। अच्छा अब ये देखिएगा बेटे कि हम लोग सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसने कहा जी अगर आप इसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करते हो, जी बेटे, बेटे वाटर आपके पास रिएक्शंस के अंदर ऐड करते हैं ना, वाटर जब आपके पास मैट्रिक्स के अंदर वाटर मौजूद होता है तो आप इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए एक दफा वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं करते, बल्कि आप इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए 3 बार वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे। सो ये आइसोसिट्रेट का एक बेटे मॉलिक्यूल बनता है। और आप देखो बेटे आइसोसिट्रेट किस तरह से बनता है, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है और ये वाला जो OH ग्रुप आपके पास मौजूद है, अगर मिटे में ये OH ग्रुप नीचे ले आऊं और हाइड्रोजन को ऊपर ले जाऊं, तो जस्ट मैं OH ग्रुप की लोकेशन को चेंज करूंगा और ये मेरे पास मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। तो सो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये OH ग्रुप अपनी पोजिशन पे चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट आइसोसिट्रेट, तो आइसोसिट्रेट को अगर मैं लेट सपोज यहां पे ड्रॉ करूं, तो ये COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव COO नेगेटिव CH और COO नेगेटिव। आप बेटा ये देखिएगा यहां पे 2 हाइड्रोजन है, मैं एक हाइड्रोजन यहां से उतार के ऊपर लगा रहा हूं, यहां से एक हाइड्रोजन ऊपर और ये वाला OH ग्रुप मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। दिस इज हाउ आई कन्वर्टेड इट इनटू आइसोसिट्रेट, यानी ये आइसोसिट्रेट है और ये आपके पास आइसोसिट्रेट का स्ट्रक्चर है। हम लोग ये कहते हैं कि जी ये आइसोसिट्रेट की फॉर्मेशन के बाद हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड्स, ये भी आपके पास कार्बन 6 के कंपाउंड होंगे क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ OH की हाइड्रोजन के साथ लोकेशन को चेंज किया है। अगर आइसोसिट्रेट से बेटे आप आगे मूव करते हो तो हम लोग इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे। अच्छा यानी यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होगी। जब कभी बेटे आप डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर ये आप कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो बेटे, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं यहां से रिमूव कर दूं, यानी ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो यहां से रिमूव कर दिया जाए और यहां से एक हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट, ये वाला एक हाइड्रोजन जो हाईली एनर्जाइज हाइड्रोजन है, इसको एक NAD का मॉलिक्यूल आएगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH के मॉलिक्यूल में और ये वाला हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी टर्म्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटा रेट। प्लीज ये देखिएगा कि ये किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू मैनेज दिस, अगर मैं इसको करता हूं मैनेज, तो मैं ये कहता हूं कि बेटे आपके पास ये जो अल्फा कीटो ग्लूटा रेट बनेगा, ये ऊपर वाला कार्बोनाइल ग्रुप वैसे ही, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप वैसे ही, ये CH2 बिल्कुल वैसे, ये कार्बन जिसमें से मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन मैंने शिफ्ट कर दिया ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हो गया अब आपके पास CH2, राइट, और ये वाले हाइड्रोजन को मैंने NAD को प्रोवाइड कर दिया, ये मेरे पास बन गया NADH। दैट्स व्हाई हमने ये कहा
कि भाई ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में शिफ्ट हो गया और नीचे आपके पास ये, तो आप देख लें कि ये आपके पास कीटो कंपाउंड बन गया है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नेम्ड कीटो बन गई ना जी। तो ये हमने कहा कि दिस इज नेम्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट को बेटे हम लोग बाद में कन्वर्ट करते हैं इनटू सक्सीनाइल कोए, सक्सीनाइल कोए। यानी हमने ये बात पढ़ी कि जब सक्सीनाइल कोए बना रहे हो तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में तो बेटे कार्बन कितने हैं, पांच, लेकिन सक्सीनाइल को ए के पास कार्बन फोर है, राइट? सक्सीनाइल को ए के पास कार्बन फोर है, इसका मतलब एक और कार्बन डाइऑक्साइड आपको अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाने से रिलीज करनी पड़ेगी। तो बेटे ये कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप रिमूव करोगे? तो मैंने कहा बेटे ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर आ रही है, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड हम यहां से रिमूव कर देंगे। जब ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड आप रिमूव करते हो तो इसके रिमूवल के केस के अंदर आपको यहां पर एक HS CoA का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है। ये जब आप HS CoA का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ये बेसिकली S CoA ऐड होगा ना, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा, ये हाइड्रोजन को टेक अप करेगा एक अदद NAD और ये NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। सो हम लोग ये कहेंगे कि सक्सीनाइल कोए का जो मॉलिक्यूल आपके पास बनेगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस। देखें जी ये COO नेगेटिव है, ये CH2 है, ये CH2 है और बेटे ये C डबल बॉन्ड O है। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड मैंने रिमूव कर दी, यहां पर मैंने एस को ए का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। दिस इज व्हाट द एस को ए मॉलिक्यूल इज एडेड। तो आपके पास बेटे ये एक सक्सीनाइल कोए का मॉलिक्यूल बना। द सक्सीनाइल कोए मॉलिक्यूल व्हिच इज फॉर्मड ओवर देयर, ये आपके पास अब फोर कार्बन और एक सल्फर कंटेन करता है। हम लोग ये कहते हैं कि जी ये यहां से ऑनवर्ड आपको बेटे एसिटाइल कोए के पास कितने कार्बन थे, दो, और एसिटिक एसिड ग्रुप था, ये देखो एसिटाइल ग्रुप है उसके पास, ठीक है? तो ये एसिटाइल कोए है, यहां पर सक्सीनेट के साथ कोए है इस वजह से ये सक्सीनाइल कोए है, ठीक है? अच्छा बेटे HS CoA होता है बस, बेसिकली ये तो आपके पास CoA के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, एज ए कोएंजाइम रोल प्ले करते हैं, ठीक है? अच्छा हम लोग ये कहते हैं कि जी ये आपके पास ऐसे S CoA के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और हम लोग इसको यहाँ पर S CoA को रिमूव करते हैं। अब वो कहते हैं जी जब कभी S CoA रिमूव होते हैं तो दे नीड हाइड्रोजन, तो हम लोग इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर वाटर को ऐड करते हैं। जब कभी वाटर ऐड करोगे तो यहां से आपके पास ये HS को ए रिमूव हो जाएगा क्योंकि इट नीड्स एन H। आपके पास जो मॉलिक्यूल यहां पे बनेगा द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल विल बी सक्सीनेट और सक्सीनिक एसिड, यानी ये आपके पास सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड किस फॉर्म में मौजूद होगा। अगर आप एस को ए यहां से रिमूव करते हो बेटे तो उस सूरत में आपके पास आने वाला ये मॉलिक्यूल सी ओ ओ नेगेटिव बिल्कुल इसी तरह से नीचे सी एच टू, उसके नीचे सी एच टू और इससे नीचे कार्बोनाइल ग्रुप है। बेटे जब आप यहां से वाटर इसको प्रोवाइड कर रहे हो तो वाटर से हाइड्रोजन आपने इसको प्रोवाइड की, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, HS CoA में। OH आपके पास रह गया, वो O आप इसको प्रोवाइड कर देते हो तो ये OH आपके पास इस तरह से मौजूद होगा।
जिसको हम लोग सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड कहते हैं। तो ये अमूमी तौर पे बेटे आपके पास COO ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पर आपके पास बेटे इस कदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अच्छा, वो कहता है कि जी यहाँ पर ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो कोएंजाइम इसको सपोर्ट करता है वो असल में GDP होता है, और ये GDP कन्वर्ट हो जाता है GTP के अंदर, और हम वापस इस GTP को कन्वर्ट कर देते हैं GDP में, और एट दैट टाइम हम इस फॉस्फेट को यूज करके ADP से एक ATP की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो अगर आप ये देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा रिएक्शन है, जिसको मैंने यूं कहा है कि आपके पास सक्सीनाइल कोए का मॉलिक्यूल है। प्लीज इसको देखिएगा, सक्सीनाइल कोए का मॉलिक्यूल है। जब कभी भी बेटे कोए यहां से रिमूव होते हैं, दे नीड टू रिमूव इन फॉर्म ऑफ HS-CoA। तो हाइड्रोजन आपने इसको प्रोवाइड करना, वो यू प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। मैंने हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड किया, जैसे मैंने इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, ये HS-CoA की फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये कोए यहां से उतर गया, ये जो OH था वो इसके साथ अटैच हुआ, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड, राइट। वो कहता है जी इस स्टेप के ऊपर इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि हम एक ATP का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, इसलिए हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि इनडायरेक्टली पहले GTP प्रोड्यूस होते हैं, जहां से फिर हम ATP को प्रोड्यूस करते हैं। वो कहता है जी ये जो सक्सीनेट का मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे फॉर्म होता है, दैट सक्सीनेट मॉलिक्यूल विल देन कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट। ये फ्यूमारेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। जैसे आपने ये पढ़ा था कि सक्सीनेल में 4 कार्बन होते हैं, बेटे इसी तरह से सक्सीनेट में भी 4 कार्बन है, बिकॉज हम लोग ये शो कर रहे हैं कि सक्सीनेट में 4 कार्बन है। अब होता यूं है कि फ्यूमारेट को फॉर्म करने के लिए यहां पर FAD एज ए कोएंजाइम रोल प्ले करता है, और FADH2 की फॉर्मेशन करता है। जब कभी बेटे आपके पास FAD से FADH2 बन रहा होता है, तो 2 हाइड्रोजन आपके पास यहां से रिलीज होंगे। आप देखिएगा कि जब कभी आप फ्यूमारेट का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आपके पास ये COO नेगेटिव बिल्कुल इसी तरह से आएगा, ये आपके पास एक हाइड्रोजन आप यहां से प्रोवाइड करते हो, एक हाइड्रोजन बेटे आप यहां से प्रोवाइड करते हो, तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड आता है। और मजीद आप देखो तो ये कार्बन और ये OOH लिखना चाहते हैं वैसे लिख ले, लेकिन अमूमी तौर पर ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर रिमूव होते हैं, तो ये आपके पास फ्यूमारेट इस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। सो ये हाइड्रोजन अगर आप यहाँ से रिमूव कर दें, तो ये आपके पास यूजुअली रिएक्शन इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो मैंने किया ये कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन किसको प्रोवाइड कर दिए, FAD को। ये सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज आपके पास वो एंजाइम है जो कि पूरे के पूरे क्रैब साइकिल में वो वाहिद एंजाइम है जो के माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि फ्यूमारेट से हम इसको, जी बेटे, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि सक्सीनेट की डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है ना, So, ये वो वाहिद एंजाइम है जो कि आपके पास मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेट करता है। बाकी सारे के सारे मैट्रिक्स में होते हैं, सिर्फ ये एंजाइम आपके पास ऐसा है जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर यानी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, फ्यूमारेट के अंदर हम लोग बेटे ये बात करते हैं कि फ्यूमारेट के अंदर यहां पर एक वॉटर का मॉलिक्यूल एड होगा। प्लीज ये देखिएगा कि वॉटर का मॉलिक्यूल कैसे एड होता है। बेटे जब कभी भी आप वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करोगे, तो वह आप लाजमी बात है इस एक मॉलिक्यूल में चेंज करोगे, राइट। तो मैं कहता हूं जी इस मॉलिक्यूल के अंदर कैसे चेंज करते हैं, लेट्स सपोज अगर ये
COO नेगेटिव वैसे ही लिखा मैंने, ये आपके पास CH, यहां पर CH, ये COO नेगेटिव। अब देखिये मैं यहां से बेटे ये डबल बॉन्ड को क्लीव करता हूं और एक इसके साथ OH ऐड करता हूं, एक इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करता हूं, तो मैंने इसके अंदर तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, राइट। सो दिस इज हाउ आई हैव एडेड दिस वाटर मॉलिक्यूल, जो कि मेरे पास ये OH और H की फॉर्म में मौजूद होता है, राइट। और मेरे पास ये मॉलिक्यूल बनता है जिसको मैं मैलेट का मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूं। जैसे बेटे आपके पास ये मैलेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हम इन मैलेट के मॉलिक्यूल को अगेन ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिएगा कि हम इस मैलेट से अगेन ये 4 कार्बन के मॉलिक्यूल यानी ऑक्सैलो एसीटेट किस तरह से बनाते हैं बेटे, यहां पर फिर अगेन डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा जिसमें एक NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। अच्छा, यहां पर अब एक हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता है बल्कि 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। जब कभी भी बेटे आपके पास 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो ये वाला कार्बन आप देख रहे हो, यहां से ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव होता है जो कि NADH की फॉर्मेशन करता है, ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव होता है, ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव होता है जो के यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। सो हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास यहां पर ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन हुई, और ये ऑक्सैलो एसीटेट अगर लेट सपोज मैं इसको ऐसे ही लिखूं तो ये COO नेगेटिव, ये कार्बन, ये एक और कार्बन, दिस इज COO नेगेटिव, ये तो CH2 बेटे वैसे का वैसा होगा, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव कर लिए जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड O होता है। सो ये वाला जो मॉलिक्यूल आपके पास इन दैट रिजल्ट कंस्ट्रक्ट होता है, इसको हम लोग ऑक्सैलो एसीटेट का मॉलिक्यूल कहते हैं।